यस बच्चों देखो 21 पेज सेकंड का फर्स्ट पार्ट लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय 4 sin x माइनस cos x अपॉन x माइनस पाई बाय 4 ये क्वेश्चन है हमारा sin x माइनस cos x अपॉन x माइनस पाई बाय 4 तो हम कैसे करेंगे ध्यान से देखना बच्चों मैंने तुम्हें डायलॉग बोला था क्या डायलॉग बोला था कि अगर लिमिट नहीं जीरो नहीं है तो पहले उसको जीरो बना दो तो डायलॉग यहां पर फिट हो रहा है अगर लिमिट जीरो नहीं है तो पहले उसको जीरो बना दो तो क्या करेंगे हम पाई बाय 4 प्लस h फिर यहां पर sin a + b का फार्मूला लगेगा और cos a + b का फार्मूला लगेगा sin a + b क्या होता है बच्चों sin a cos b + cos a sin b cos a + b क्या होता है cos a cos b - sin a sin b तब हो गई ओके हां पुट x इज इक्वल टू देख लेना बच्चों पुट x इज इक्वल टू पाई बाय 4 प्लस h लिमिट पाई बाय 4 प्लस h अप्रोचेस टू पाई बाय 4 sin ब्रैकेट में पाई बाय 4 प्लस h और cos के साथ भी पाई बाय 4 प्लस h और नीचे पाई बाय 4 प्लस h राइट ये कैंसिल हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 बताओ sin a + b का फार्मूला क्या होता है बच्चों sin a cos b प्लस cos a sin b sin a cos b प्लस cos a sin b ठीक है अब यहां लगाओ बच्चों cos a + b का फार्मूला cos a cos b माइनस sin a sin b ठीक है cos a cos b माइनस sin a sin b और नीचे बच्चों क्या है मेरे पास h तो लिमिट h अप्रोच टू 0 बताओ sin 45 क्या होगा बच्चों 1/√2 और हां और यहां पर sin 45 sin a cos b plus cos a यहां गलत हो गया ना cos a sin b तो यहां पर आ जाएगा sin h एग्री बच्चों यहां sin h आ जाएगा और माइनस में यहां पर आ जाएगा cos 45 क्या होगा बच्चों 1/√2 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 1/√2 sin h ये और ये कैंसिल हो गया और बताओ मेरे पास क्या आ गया एक sin h / √2 और sin h / √2 अब जब मैं इसको सोल्व करूंगा 1/√2 कॉमन ले लूं तो ये 2 हो गया ना बच्चों डबल हो गया ना ये देखो sin h / √2 और sin h / √2 क्या हो गया 2 sin h / √2 और नीचे h है तो लिमिट क्या है बच्चों h अप्रोच टू 0 तो sin h / h क्या हो जाएगा 1 और 2 / √2 क्या होता है बच्चों √2 तो आपका आंसर कितना आ गया √2 तो ये आपका आंसर समझ आया बच्चों ठीक है तो नोट करो बच्चों जल्दी से यस बच्चों अब देखो लिमिट x अप्रोच टू 0 ये 22 पेज पर 22 पेज पर क्वेश्चन नंबर 17 है लिमिट x अप्रोच टू 0 1 - cos mx और नीचे 1 - cos nx यहां पर कौन से फार्मूले लगाओगे याद करो 1 - cos 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है 2 sin स्क्वायर थीटा एंगल का हाफ हो जाता है वो चीज पे लगाऊंगा राइट तो 1 - cos mx है तो ये बन जाएगा 2 sin स्क्वायर mx / 2 और मैं नीचे वाला फार्मूला यहां लगाऊंगा 2 sin स्क्वायर nx / 2 तो अच्छे बच्चे समझ गए होंगे कि मैंने इसको ऐसा क्यों लिखा है 2 से 2 कट गया अब बताओ इसको 1 बनाना है तो मैंने तुम्हें ट्रिक बताई थी इसके नीचे मुझे क्या चाहिए mx / 2 इसका स्क्वायर m स्क्वायर m स्क्वायर x स्क्वायर / 4 से डिवाइड m स्क्वायर x स्क्वायर / 4 से मल्टीप्लाई तो ये पोर्शन क्या हो जाएगा ऐसे बच्चों अब यहां आ जाओ पहले बोल समझ लो बेटे n स्क्वायर x स्क्वायर / 4 से डिवाइड और इनटू में यहां पर n स्क्वायर x स्क्वायर / 4 से मल्टीप्लाई सर वो आ गया था क्या रिजल्ट वो घर से नहीं आ रहा हाँ बच्चों देखो अब इधर nx / 2 का स्क्वायर क्या होगा n स्क्वायर x स्क्वायर / 4 से डिवाइड और मल्टीप्लाई तो ये क्या हो जाएगा बच्चों पोर्शन इतना पोर्शन 1 हो जाएगा और ये x स्क्वायर और ये x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा बताओ ध्यान से देखो मेरे पास ऊपर यहां पर क्या बच गया m स्क्वायर और नीचे क्या बच गया n स्क्वायर तो आपका आंसर आ गया m स्क्वायर / n स्क्वायर इस क्वेश्चन को डाउट स्टेप समझ आ गए हम पहले ये समझ लो बाद में नोट करना एक ही बार नोट कर लेना बाद में यहाँ जाओ इस क्वेश्चन के अंदर आप tan x को लिखो sin x / cos x और sin x मैं कॉमन लेने वाला हूँ बच्चों
साइन एक्स मैं कॉमन लेने वाला हूँ। यस, बोर्ड पर देखो आप सभी, लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो, साइन एक्स मैंने कॉमन ले लिया, अंदर आ गया वन बाई कॉस एक्स माइनस वन, और नीचे क्या बच्चों एक्स क्यूब। अब यहाँ एलसीएम ले लो बच्चों, एलसीएम साइन एक्स, पहले सब समझ लो फिर बाद में तुमको समझ नहीं आया। इधर देखो आप, यहाँ तो कोई डाउट, मैंने एलसीएम ले लिया राइट। अब बताओ मैं यहाँ फॉर्मूला लगाऊंगा, वन माइनस कोस एक्स क्या होता है बच्चों, अच्छा टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। क्यों ना तुम बच्चों इस साइन एक्स बाई कोस एक्स को टेन एक्स कर दो, बोलो कर दो मल्टीप्लाई में है, मैं कर सकता हूँ क्यों किया, इसका फायदा बताओ, टेन एक्स बाई एक्स स्क्वायर देगा, इसको वन बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए नीचे, एक्स स्क्वायर बाई फोर, एक्स स्क्वायर पहले से ही है, फोर से अगर मैं डिवाइड कर दूं और फोर से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, वन। समझ आ रहे हैं राइट। अब क्या बचा तुम्हारे पास, वन इंटू टू बाई फोर, आंसर क्या आ गया, वन बाई टू, तो ये आंसर आ गया। स्टेप समझ आ गए राइट। अब नोट कर लो बच्चों, सबसे पहले आप ध्यान से देखो बच्चों, वन माइनस कोस एक्स, वन माइनस कोस एक्स के साथ, कोस एक्स के साथ इंटू में रूट कोस टू एक्स है, कोस एक्स के साथ इंटू में रूट कोस टू एक्स है ठीक है, और नीचे एक्स स्क्वायर है, लिमिट एक्स ऑफ जीरो है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, टीचर्स का फेवरेट है, वन जो पेपर डिफिकल्ट पेपर में बनाएंगे वो डिफिकल्ट पेपर बनाने वाले टीचर इस क्वेश्चन जरूर देते हैं, क्योंकि बच्चों से 90% बच्चों को नहीं आता। तो 1 माइनस cos x रूट cos 2x, पहला स्टेप क्या होगा, रैशनलाइजेशन। पता है जब टेस्ट लेते हो बच्चे ऐसे ढूंढता करते हैं, सर 1 माइनस cos x है, हमने लिख दिया 2 sin square x by 2, है तो सी 1 माइनस cos x, भाई इसके साथ ये भी तो मल्टीप्लाई में पड़ा हुआ है राइट। तो पहले आप क्या करोगे, रैशनलाइज। चलिए बच्चों पहले पहले आप देखना इसको, बाद में नोट करना, 1 माइनस cos x अंडर रूट cos 2x, नीचे x स्क्वायर, 1 प्लस cos x अंडर रूट cos 2x मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ठीक है। अब ऊपर बच्चों आ गया a माइनस b इनटू a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, देखो cos x इनटू cos x cos स्क्वायर x, और ये cos 2x है ठीक है, यहाँ इनटू का साइन है, और नीचे x स्क्वायर और 1 प्लस cos x और अंडर रूट कॉस 2x, पहले सब बच्चे बोर्ड पर देखेंगे। अब नेक्स्ट टाइम में मैं बच्चों क्या करने वाला हूं, इसको थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा। कॉस 2x से बच्चों चार फॉर्मूले होते हैं, पहला एक फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, उससे कोई फायदा दिखाई नहीं दे रहा। एक होता है 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1, वो भी नहीं जज समझ में आ रहा। एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, वो समझ में आ रहा है, वो समझ में आ रहा है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x राइट, वो लगाता हूं cos 2x का फॉर्मूला, 1 माइनस 2 sin square x। यस बच्चों, तो cos 2x का फॉर्मूला लगा दिया मैंने, 1 माइनस 2 sin square x, क्योंकि मुझे फॉर्मूले सारे याद हैं। यस बच्चों, क्योंकि सारे फॉर्मूले मुझे याद हैं, मैं आराम से लगा लेता हूं, मेरी बात समझ आ रही है राइट। तो अब बताओ यहां तक कोई डाउट। अब बच्चों ब्रैकेट ओपन करो, ये जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो तुम्हें पता है बच्चों, अब मैं इसको ये ब्रैकेट में डाल सकता हूं, और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे बच्चों एक्स स्क्वायर और 1 प्लस कॉस एक्स अंडर रूट कॉस 2x। एक एक स्टेप बच्चों पहले समझो, देखो ना ब्रैकेट ओपन करो, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1, तो मैंने इसको ब्रैकेट में डाल दिया ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। अब बताओ 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर, 1 माइनस cos स्क्वायर x क्या होगा, और प्लस में यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है, 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, और नीचे क्या है बच्चों x स्क्वायर, 1 प्लस cos x और अंडर रूट में cos 2x, और लिमिट x अप्रोच टू 0। ध्यान से देखो, ये sin स्क्वायर x बन गया, ये 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर x, 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, ये x स्क्वायर और ये 1 प्लस दिस,
अब मैं साइंस पर एक्स कॉमन ले लूंगा मैं, राइट, तो अंदर क्या आ जाएगा, वन प्लस टू कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, और नीचे यहाँ पर क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर, यहाँ तक ध्यान से देखो आंसर आने वाले बच्चों नेक्स्ट टाइम में, बताओ ये क्या बन जाएगा, वन। अब सब जगह ना तुम एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर दो, तो कॉस जीरो क्या होता है, वन, वन प्लस यहाँ पुट करो कॉस जीरो क्या होगा, वन, कॉस जीरो क्या होगा बच्चों, वन प्लस टू क्या होगा, थ्री, थ्री बाय टू आंसर। एक एक स्टेप को ध्यान से देखो, ये सोचो, इसको रेशनलाइज कर दो, लिमिट x अप्रोचे टू जीरो, इसको रेशनलाइज करो, तो रूट टू माइनस अंडर रूट वन प्लस कॉस एक्स, तो मैंने एक ट्रिक भी तो बताई थी शॉर्टकट पर, नहीं कल बताई थी मैंने, हाँ बताई तो थी आपने, मैंने बताया था कि बार बार ये एक स्टेप बचा सकता हूँ मैं, मैंने बताया था कि ऊपर a माइनस b इनटू a प्लस b कर दो सीधा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, रूट टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, टू माइनस, यानी मैंने तुम्हें ये बोला था कि आप ये स्टेप मत लिखवाया करो मुझसे, सीधा ये वाला स्टेप लिखवाया करो तुम, ये डायरेक्ट बच्चों यहाँ से यहाँ आ सकते हो ना, ये बीच वाला स्टेप इतना जुड़ क्या है, ऊपर बच्चों रूट टू का स्क्वायर कर दो माइनस इसका भी स्क्वायर कर दो, ठीक है, और नीचे बच्चों ये ऐसे लिख दो, ऐसे एक स्टेप बस करें तुम्हारा। अब बच्चों टू माइनस वन क्या होता है, वन, वन माइनस कॉस एक्स, और नीचे है बच्चों एक्स स्क्वायर और इनटू में अंडर रूट टू और अंडर रूट वन प्लस कॉस एक्स, यहाँ तक कोई डाउट, ये स्टेप क्लियर हो गई। वन माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, राइट, नीचे एक्स स्क्वायर है, अंडर रूट टू है और अंडर रूट वन प्लस कॉस एक्स है, सबकी नजरें बोर्ड पर। अब मुझे ये बताओ, वन माइनस कॉस एक्स का तुमने फॉर्मूला लगा दिया टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, इसको वन बनाने के लिए मुझे नीचे क्या चाहिए बताओ, बाय फोर, फोर से डिवाइड, फोर से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा, वन, ये वन हो जाएगा ना। अब बच्चों टू बाय फोर क्या हो जाएगा, वन बाय टू हो जाएगा, तो और वन बाय टू और यहाँ पर अंडर रूट टू है और प्लस यहाँ पुट करो कॉस जीरो क्या होता है, वन, तो प्लस में वन प्लस वन क्या हो गया बच्चों, रूट टू, और वन बाय टू इनटू वन बाय रूट टू प्लस रूट टू क्या हो गया, टू रूट टू, तो आंसर क्या आया, फोर रूट टू, तो वन अपॉन फोर रूट टू आपका आंसर आया, तो सिक्स पार्ट भी हो गया हमारा, ठीक है, करो इसको नोट कर लो, ये सोचो यहाँ आ जाओ, कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस टू एक्स, अरे तुम मेरे डायलॉग भूल गए बच्चों, कि हर बार हम चेक करते हैं कि जीरो बाय जीरो फॉर्म आ रही है नहीं आ रही है ना, तो पाई बाय टू पुट करो कॉस 90 क्या होता है बच्चों, जीरो, यहाँ पाई बाय टू पुट करो टू इंटू पाई बाय टू पाई, पाई माइनस पाई क्या होगा जीरो, तो जीरो बाय जीरो फॉर्म है और जीरो बाय जीरो फॉर्म है तो हम सोल्व करेंगे, राइट, तो पुट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू प्लस एच, क्योंकि लिमिट जीरो नहीं है, लिमिट को जीरो बनाना हो तो पाई बाय टू प्लस एच करते हैं, तो जहां भी एक्स है वहां पर आप पाई बाय टू प्लस एच कर दो, तो cos ब्रैकेट में पाई बाय टू प्लस एच और नीचे पाई माइनस टू इंटू पाई बाय टू प्लस एच, इस पाई बाय टू को उधर ले जाओ तो एच अप्रोच टू जीरो हो जाएगा, क्लियर। अब cos 90 प्लस एच, कौन सा क्वाड्रेंट है ये, सेकंड में cos क्या होता है बच्चों, नेगेटिव, तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों, माइनस साइन एच, अब ब्रैकेट ओपन करो, पाई माइनस टू इंटू पाई बाय टू माइनस टू एच, टू से टू कट गया, पाई से पाई कट गया, लिमिट एच अप्रोच टू जीरो माइनस साइन एच अपॉन में माइनस का टू एच, बात समझ आ रही है, माइनस से माइनस और साइन एच बाई एच क्या होता है, वन, तो वन बाय टू आपका आंसर, तो पहले बाद में नोट कर लेना, इसको भी तरह समझ लो, बताओ बच्चों, प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तुम्हें पता है बच्चों साइन एक्स ये क्या हो जाएगा बच्चों, वन,
राइट, तो लिमिट x अप्रोचिंग टू पाई बाय 4, यहां पर आ गया sin x माइनस cos x, और यहां बन गया 1 प्लस sin x इनटू cos x, और यहां पर है x माइनस पाई बाय 4। क्लियर? अब ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर चुके हैं, आज ही हमने सोल्व किया है इस क्वेश्चन को, आज ही सोल्व किया है, आप रजिस्टर खोल कर देख लो, हमने आज ही क्वेश्चन ये सोल्व किया है। और इधर देखो, इसको तुम्हें पता है, नई बात बता रहा हूँ तुम्हें, पता है मैं लिमिट यहाँ कहीं भी मैं लिमिट लगा सकता हूँ, ये बात तुम्हें शायद पहली बार पता चल रही है, हम कहीं भी लिमिट का साइन लगा सकते हैं। 10 बार लगाओ लिमिट का साइन, हाँ, आप जहां मर्जी लिमिट का साइन लगा दो, जिससे मर्जी लगा दो, जहां एक्स होना चाहिए, जैसे 1 प्लस ए इनटू का साइन है ना, प्लस का साइन होगा तब भी, प्लस माइनस में है ना, आप 10 जगह लिमिट का साइन लगाओ, जैसे ब्रैकेट सोल्व करते हैं, ये लिमिट का साइन आप कहीं भी लगा सकते हो। तो देखो दो क्वेश्चन बन गए, एक ये बन गया इनटू में ये बन गया, एग्री? इसका आंसर क्या आया था? रूट 2। आज अपने रजिस्टर में देखे ना, इसका आंसर रूट 2 आया था, ऑलरेडी सोल्व। इनटू में यहाँ पर 1 प्लस साइन 45 क्या होगा, और कॉस 45 क्या होगा, 1 बाय रूट 2। तो रूट 2 इनटू 1 प्लस 1 बाय 2, ये हो गया बच्चों रूट 2 इनटू 3 बाय 2। अब रूट 2 कटिंग हो जाएगी, तो ये बन गया 3/√2। आंसर क्या आया? 3/√2। स्टेप समझ आए? क्लियर? नोट कर लो बच्चों। इधर x इनटू, मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ बच्चों, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, यहाँ पर x स्क्वायर है, पर मैं x लिख रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन टीचर्स का फेवरेट है जो मैंने लिखा है, नहीं x स्क्वायर लिखा है, तब भी सेम कहानी है, जो मैं इसमें स्टेप्स बताऊंगा ना, वही x स्क्वायर वाले स्टेप्स हैं। जहाँ बच्चों सुन लो, यहाँ पर x हो, x स्क्वायर हो, x क्यूब हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, आपने क्या करना है, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, पहले वो बताता हूँ, जो मूर्खता दिखाते हैं, बच्चे कहते हैं सर वो x में मूर्खता दिखाते हैं, सर अगर ये x को हम ऐसे लिख देते हैं, बोलो लिख सकते हो ना, और अगर एंगल सेम है तो सर ये 1 हो जाना चाहिए, बात तो सही है सर। पर ये मूर्खता नहीं दिखानी, हाउ स्टूपिड वाला गेम है ये, ऐसा काम नहीं करना, ये जो 1/x में एंगल नहीं चलेगा, क्योंकि देखो ना यहाँ लिमिट तो x अप्रोच टू 0 है ना, यहाँ 1/x थोड़ी है, sin x / x 1 कब होता है, जब यहाँ जो एंगल है ना वो यहाँ होना चाहिए, तो इस यहाँ 1/x थोड़ी है, अगर यहाँ 1/x अप्रोच टू 0 होता ना, तब तुम इसको 1 बोलते, 1/x नॉट डिफाइंड आ रहा है, 0 तो नहीं आ रहा, तो नहीं कर सकते ना बेटे ऐसे, तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कैसे करें, वो आप सुनना बच्चों, इधर बड़ा प्यारा आंसर है, x की वैल्यू 0 पुट करो, 0 इनटू साइन का कोई भी एंगल हो, कोई भी साइन का कोई भी एंगल हो, बताओ आंसर किस में लाई कर, 0 से 1 माइनस 1 और 1 के बीच में, साइन एक्स और कोस एक्स का आंसर किस में लाई करते हैं, माइनस 1 और 1 के बीच में, तो आप लिखोगे 0 इनटू एनी वैल्यू बिलोंग्स टू माइनस 1, 1 बिलोंग्स टू माइनस 1, 1 आंसर क्या आएगा, 0। तो आंसर क्या हुआ, 0, खत्म हो गया बच्चों क्वेश्चन। अब यहाँ एक्स स्क्वायर हो, एक्स क्यूब हो, कुछ भी हो, आंसर तो 0 ही आएगा, बात समझे, बोर्ड पर देखना बच्चों आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, 1 माइनस एक्स है यहाँ पर, बोलो नहीं बेटे, tan पाई एक्स बाई 2 है, और यहाँ पर लिमिट है x अप्रोचिंग टू 1, लिमिट क्या है, टू 1 या 0, x अप्रोचिंग 1 है, 1 है। अब ये बताओ, 0 बाय 0 आ जाएगा, नहीं यहाँ x के लिए मैं 1 पुट करूँ, इन्फिनिटी 1 बाय 0, इन्फिनिटी 1 बाय 0 होता है, देखो ना tan 90 क्या होते हैं, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी क्या होता है, 1/0, और ये भी क्या है, 0, तो 0/0 फॉर्म होगी ना, तो मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा, पुट x इज इक्वल टू 1 प्लस h, पुट x इज इक्वल टू 1 प्लस h, तो जहां भी x है वहां पर आप 1 प्लस h लगा दो, रिप्लेस x बाय 1 प्लस h,
टेन पाई बाई टू इंटू वन प्लस एच, ठीक है। अब इस वन को उधर ले जाओ, एच अप्रोच टू जीरो, वन से वन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस एच इंटू में टेन, ब्रैकेट ओपन करो, पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू एच। बोलो बच्चों, यहां तक समझ आ गया? लिमिट एच अप्रोच टू जीरो माइनस एन 90 प्लस थीटा, बताओ कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड में टेन क्या होता है बच्चों? तो माइनस कॉट थीटा माइनस कॉट पाई एच बाय टू, यहां तक कोई डाउट? कॉट को लिख सकते हो 1 बाय टेन, कॉट को मैं लिख सकता हूँ माइनस माइनस हो गया प्लस, और कॉट को मैं लिख रहा हूँ 1 बाय टेन पाई एच बाय टू, इट्स ओके। अब बताओ इसको 1 बनाने के लिए बताओ मुझे ऊपर क्या लाना है? पाई बाय टू से डिवाइड और पाई बाय टू से मल्टीप्लाई। देखो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर पाई बाय टू लगा रहा हूँ मैं और इंटू टू बाय पाई कर देता हूँ, चलेगा बच्चों? पाई बाय टू इंटू टू बाय पाई चलेगा। अब बताओ ये पोर्शन क्या हो जाएगा? तो आंसर क्या आया? टू बाय पाई आपका आंसर आया, ठीक है। अब स्टेप्स देखो,